और फिर तुमने खुद वो सारी फोटोज खिंचवाई। उस औरत से जो मालन के भेष में वहां रह रही थी। अब सच याद आया? बोलो। क्या हुआ? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? अपने हस्बैंड को बचाने के लिए अच्छी स्टोरीज बना लेती हो तुम। हाँ, हम कोई स्टोरी नहीं बना रहे। और अगर हम स्टोरी बना रहे तो उस दिन तुम वहां क्यों गई थी? दादी जी तुम्हें उस दिन तर्पण के लिए लेके जा रही थी। सबने रोकने की कोशिश की पर दादी जी नहीं मान रही थी, तो हमें लगा कि युग मदद कर देंगे, क्योंकि एक युगी है जिनकी बात दादी जी सुनती हैं। लेकिन युग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा। झूठ मत बोलो गौरी। ऊपर वाला सब देख रहा है और उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तुम जितनी तेजी से अपने पापों का घड़ा भरती जा रही हो ना, वो दिन दूर नहीं जब ऊपर वाला इसके हिसाब लेना शुरू कर दे। हमने कुछ नहीं किया। आई बेग यू गाइस, हमने कुछ नहीं किया। प्लीज हम पे भरोसा कीजिए। ट्रस्ट मी, हमने कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया। तुम्हारे अत्याचार अब और नहीं सहेगा। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ, मेरी बात सुनो। रोशनी, यश ही जोकर। लिसन टू मी, डैम इट, यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ, तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून खून के बदले कौन? नहीं। पर मां साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाए, तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं मां साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं।
जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाएगा।